दोस्तों, अगर आप भी आईफोन लेना चाहते हैं फ्लिपकार्ट के विपरीत सेल में, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितने रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, आपके कार्ड वैल्यू के ऊपर कितने रुपए का ऑफर और डिस्काउंट देखने को मिलेगा। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा आईफोन के ऊपर कितने रुपए का प्राइस डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और काफी सारे लोगों का ये भी डाउट था कि फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल से कोई सा भी स्मार्टफोन को लेने पर उसके पार्ट वगैरह रिप्लेस करके देखने को मिलते हैं या फिर फोन ही सेकंड हैंड देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद कोई सा भी पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से सेल स्टार्ट कर दी जाती है। प्रीवियस ईयर सेल 8 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया था। इस साल की अगर बात करें तो दशहरा काफी पहले है और सेल की एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है कि सितंबर के एंड से स्टार्ट होने की संभावना बहुत है। हो सकता है कि ये सेल सितंबर के एंड वीक से स्टार्ट करके अक्टूबर के फर्स्ट वीक को ही एंड कर दिया जाए। कार्ड ऑफर्स की बात करें तो अमेज़न की सेल में आपको SBI के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ऊपर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। वहीं फ्लिपकार्ट के सेल में आपको ICICI और एक्सिस बैंक के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिलता है। खैर, प्रीवियस ईयर आपको कोटक पे भी डिस्काउंट देखने को मिल गया था। सबसे पहले मैं आपको एक दो बातें क्लियर कर देता हूं, जो कि आपको सुनना काफी जरूरी है, वरना आप सेल में अपना फेवरेट आईफोन लेने से रहे। सो अमेज़न और फ्लिपकार्ट साल का सबसे बड़ा सेल ऑफर करता है, जिसमें हमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग काफी कम देखने को मिलती है या फिर उसमें डिस्काउंट काफी कम देखने को मिलता है, जिसके वजह से वो काफी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। जिसके वजह से मैं ये चीज देख रहा हूँ, जिनके पास फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप है या फिर अमेज़न का प्राइम मेंबरशिप है, वो लोग सेल में एक दिन पहले ही एक्सेस कर लेते हैं, यानी कि जो सेल हमारे लिए कल स्टार्ट होने वाला है, और जिनके पास प्लस मेंबरशिप है वो लोग आज रात के 12 बजे से ही सेल में एक्सेस कर सकते हैं, जिसके वजह से वो लोग पहले ही प्रोडक्ट के स्टॉक को खाली कर देते हैं। और ये चीज आपने देखा होगा, जैसे हमारे लिए सेल स्टार्ट होता है उस टाइम आईफोन का प्राइस फॉर एग्जाम्पल 30,000 तो ठीक ठाक रहता ही है, और जैसे ही सेल का 5 से 10 मिनट बीतता है, डायरेक्टली उस आईफोन का प्राइस 30,000 से बढ़कर 40,000 चल जाता है। और फिर जैसे ही उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ने लगती है, उस आईफोन की प्राइस डायरेक्टली आपको 5 से 6,000 रुपए और बढ़कर देखने को मिल जाता है। और दूसरी बात आपको ये जरूर ध्यान देना है, जिस भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म से आपको शॉपिंग करना है लाइक फ्लिपकार्ट, तो उस ब्रांड के सेल से एक सप्ताह पहले ही आपको उसके ऐप पे चले जाना है। वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन से कार्ड के ऊपर आपको कितने रुपए का प्राइसिंग डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो फटाफट से उस कार्ड का आप जुगाड़ कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो अपने रिलेटिव से जुगाड़ कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कार्ड ऑफर्स लगाते हैं तो आपको डायरेक्टली 2 से 3,000 रुपए और भी छूट देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बजट सेगमेंट में आने वाले आईफोन्स की क्या कीमत देखने को मिलेगी और आपके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी आईफोन रहने वाला है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उन आईफोन्स के बारे में जो सेल में आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, जैसे कि iPhone 11, iPhone SE सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, iPhone 12 mini एंड लास्ट iPhone 13 mini। इनको सेल में देखने की संभावना आपके लिए काफी कम है। अब बात करते हैं उन iPhones के बारे में जो आपको सेल में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले iPhone 12, ये Flipkart के बिग बिलियन डे सेल में लॉन्च किया जाएगा एंड इसकी कीमत आपको सेल में 28,000 से लेकर 30,000 के बीच देखने को मिलेगा, जिस प्राइसिंग में प्रीवियस ईयर iPhone 11 लॉन्च किया गया था। इसके अलावा iPhone 13 की बात करें, जो बहुत ही क्रिएटिव डील होने वाली है, ये भी आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में देखने को मिलेगा। इसकी कीमत आपको सेल में 35,000 से 36,000 देखने को मिलेगा एंड 36,000 से 38,000 विदाउट कार्ड डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें iPhone 14 के बारे में, जो सेल में Amazon पे लॉन्च किया जाएगा, इसकी प्राइसिंग आपको विद कार्ड डिस्काउंट 43,000 से 44,000 रुपीज़ देखने को मिलेगा एंड विदाउट कार्ड डिस्काउंट 45,000 से 47,000 रुपीज़ देखने को मिलेगा। मतलब 48,000 के अंडर iPhone 14 आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर वहीं बात करें iPhone 14 Plus की प्राइसिंग के बारे में, तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि iPhone 14 के कंपैरिजन में iPhone 14 Plus की प्राइस ज़्यादा बढ़कर नहीं होने वाली है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में आपको iPhone 14 Plus की कीमत 55,000 से 57,000 के बीच देखने को मिल रहा है। तो यानी कि iPhone 14 प्लस की कीमत सेल में 50,000 के अंडर ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उस आईफोन के बारे में जिसे लेकर के मार्केट में अभी से बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रहा है। जी हाँ, आईफोन 15 सीरीज़ के बारे में, जो सेल में फ्लिपकार्ट के बीबीडी सेल में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें अगर हम आईफोन 15 की अभी बात करें तो उसकी सेल में स्टार्टिंग कीमत आपको 50,000 रुपीज़ पड़ेगा। एंड या ऑफकोर्स गाइस, ये सारे प्राइस डिस्काउंट मीन्स कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद की प्राइसिंग है। ये कब 50,000 बढ़ करके 60,000 में बदल जाएगा, ये किसी को पता नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको आईफोन 15 परचेस करना है तो इसे सेल के पहले घंटे में, मतलब पहले मिनट में ही परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि कब इसका प्राइसिंग 55,000 से 60,000 चले जाएगा ये किसी को भी पता नहीं है। इसके अलावा iPhone 15 Plus की कीमत आपको सेल में 62,000 से 63,000 रुपीज़ पड़ेगा। एंड या ये विदाउट कार्ड डिस्काउंट है, विद कार्ड डिस्काउंट इसकी कीमत आपको 60,000 भी पड़ सकता है, लेकिन ये सेल के स्टार्टिंग घंटे की प्राइसिंग बता रहा हूँ। इसके बाद इसकी प्राइसिंग बढ़ करके मे बी 65,000 से 68,000 भी हो सकता है।
इसके अलावा iPhone 15 Pro की बात करें जो मे बी Amazon के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में भी देखने को मिल सकता है, इसकी कीमत आपको 1 लाख से 1 लाख 10 हज़ार रुपीज़ देखने को मिलेगा। एंड या ये 128 GB वेरियंट का प्राइस है। इसके अलावा अगर हम iPhone 15 Pro Max 256 GB वेरियंट की बात करें, बिकॉज यही इसका बेस वेरियंट है, तो इसकी कीमत आपको 1 लाख 20 हज़ार से लेकर के 1 लाख 35 हज़ार के बीच देखने को मिलेगा कार्ड डिस्काउंट लगा करके। अब कुछ लोग हैं जो सेल में iPhones को EMI पे लेना चाहते हैं, तो उन्हें मैं कह देता हूं कि सेल में आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। 12-15% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप सेल में बोरो करते हो तो ले देकर एक ही बात हो जाता है, आप सेल में आईफोन लो या फिर अभी आईफोन लो, कोई मतलब नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप सेल में EMI कर रहे हो तो क्यों वेट कर रहे हो, सेल का अभी ले लो, क्योंकि अभी आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, जिनके पास पैसे नहीं है वो जरूर देख सकते हैं, बट हाँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू आप क्लियर कट पेमेंट कर दो, यानी कि आप पूरा पेमेंट चुकाकर आईफोन को परचेस कर लो। बाकी आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो ये थी दोस्तों सेल में आने वाले बजट सेगमेंट में आईफोन्स की प्राइसिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो देखकर जरा सा आइडिया आ गया होगा कि आपको सेल में कौन सा आईफोन लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो देखकर कोई सही पार्ट अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलते हैं कौन नए वीडियो।